विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट आर्टिकल 26? आर्टिकल 26 के बारे में दो स्टेटमेंट दी गई है. पहली कहती है इट डील्स विद राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल के राइट्स से डील करता है. सेकंड, सच राइट्स आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ. जो ये राइट्स होते हैं ये पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी और हेल्थ से कंसर्निंग होते हैं. ये भी हो सकता है. वीडियो को पॉज करिए और आपको बताना क्या है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा कि करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट पूछा है, बिकॉज क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं 50% ऑफ टास्क आपका वहीं कंप्लीट हो जाता है. देन सिर्फ चीज ये मैटर करती है कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता है या नहीं पता है. और अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, विच इज द प्रीकर्सर, जो कि पहली कंडीशन है किसी भी क्वेश्चन को सही करने की, तो क्वेश्चन को आते हुए भी आप ठीक नहीं कर पाएंगे. तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, सोचिए इसके बारे में, फिर आंसर करेंगे. चलिए तो यहां पे बात करें जो आर्टिकल 26 की, हमने आर्टिकल 25 के बारे में बात करी थी इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर. आर्टिकल 25 जो है वो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल की बात करता है, और आर्टिकल 26 जो है वो गारंटी करता है राइट्स ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस. राइट, और यही डिफरेंस है दोनों के बीच में. तो आर्टिकल 26 यहां पे इंडिविजुअल राइट की बात नहीं करता है, या रिलीजियस डिनोमिनेशंस के राइट्स की बात करता है. आप चाहे तो लक्ष्मीकांत में भी देखेंगे तो वहां पर भी ये चीज स्पेसिफिकली मेंशन करी गई है, और इसी वजह से इस पे क्वेश्चन बन सकता है. तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है. अब बात आती है कि क्या इसके अंदर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी और हेल्थ जो है वो दिया हुआ है. यस, ये जो राइट्स हैं ये पूरे आपके पास फ्रीली अवेलेबल नहीं है, कुछ इस पे यहां पे कंडीशंस लगाई गई हैं, दैट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ. यहां पे जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस को जो राइट दिए गए हैं वो सब्जेक्ट टू, मतलब उस पे कंडीशंस कौन कौन सी होंगी, मतलब वो मोरालिटी को सेटिस्फाई करते हुए पब्लिक ऑर्डर को वो प्रॉब्लम ना करें, और यहां पे हेल्थ वाइज भी किसी को प्रॉब्लम ना करें. तो यहां पे आंसर हमारा हो जाएगा बी, बिकॉज ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट.